सिविल अस्पताल में बिना किसी कार्य के घूमने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर अस्पताल प्रबंधन सख्त नजर आ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। अस्पताल प्रबंधन को लंबे समय से बाहरी और आवारा लोगों के घूमने की सूचना मिल रही थी। कुछ एजेंट मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराते थे। इतना ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों का स्टाफ भी सिविल अस्पताल में घूमता था, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने गंभीरता से लिया। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे चालू कर दिए गए हैं और सभी मरीजों और उनके तीमारदारों पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि जल्द ही हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो अस्पताल में पिछले दिनों घूमते नजर आया था। बाहरी लोगों और एम्बुलेंस चालकों ने अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ये देखना होगा कि प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन ऐसे लोगों पर कब तक सख्त कार्रवाई करेगा। हमने कई बार जॉइंट मजिस्ट्रेट को, पुलिस प्रशासन को लिख के दे चुके हैं, एक्शन उन्हीं के द्वारा लिया जाना है। और अभी पीछे जॉइंट मजिस्ट्रेट और ECMO के द्वारा कुछ नर्सिंग होमों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है, और जल्द ही अन्य जो नर्सिंग होम जो भी हैं इस टाइप के हैं वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और CMO साहब को बता दिया गया है, बहुत जल्द उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।